साथियों, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि स्पोर्ट्स हमेशा से एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होते हैं। आप हर खेल में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि एक मुकाबला आपके भीतर भी चलता रहता है। आप हर रोज खुद से भी कम्पीट करते हैं, आपको स्वयं से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है और खुद को बार बार समझाना भी पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप रात को मन करता है कि कल सुबह नहीं उठना है, लेकिन फिर पता नहीं क्या कौन सी ऊर्जा है एकदम से उठा देती है और दौड़ा देती है। अगर आपको ट्रेनिंग करने की इच्छा न भी हो फिर भी करनी पड़ती है, और चाहे सब ट्रेनिंग सेंटर से घर चले गए हो लेकिन कभी कभी आपको कुछ घंटे एक्स्ट्रा पसीना बहाना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कहता है ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, उतना ही खरा उतरता है। और उसी तरह आप सब तप करके खरे उतरे हो। यहां जो जो लोग इस गेम के लिए सिलेक्ट हुए, कोई वहां से जीत के आया, कोई वहां से सीख के आया, आप में से एक भी हार करके नहीं आया है। और मेरी तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, खेल में दो ही चीज होती है, या तो जीतना या सीखना, हारना वारना होता ही नहीं है। अभी जब मैं आप सबसे बात कर रहा तो कुछ कह रहे थे कि इस बार एक कम रह गया, मैं अगली बार और जंप लगाऊंगा। यानी वो सीख करके आता है, नया विश्वास लेकर के आता है। बहुत लोग हैं जो इस बार गए होंगे, कुछ लोग पहली बार गए होंगे, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों में आपका सिलेक्ट होना ये भी अपने आप की विक्ट्री है। आप इतनी सारी चुनौतियों से जूझकर और मजबूत हो गए हैं, और ये आपके इस ग्रुप के रिजल्ट में सिर्फ आंकड़ों का हिसाब नहीं है जी। हर देशवासी एक गर्व अनुभव कर रहा है, एक नया विश्वास देश के अंदर भर जाता है। आप सभी ने सिर्फ पिछले रिकॉर्ड ही तोड़े ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र में तो आपने उस रिकॉर्ड को धराशा ही कर दिया है। कुछ लोग सोचेंगे कि अब तो दो तीन गेम तक तो यहां पहुंच नहीं पाएंगे, ये स्थिति पैदा कर दी आप लोगों ने। और आप लोग 111 मेडल्स लेकर घर लौटे, 111, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। मुझे याद है, मैं जब राजनीति में नया नया था, पार्टी के संगठन का काम करता था, और लोकसभा के चुनाव में हम 12 सीट लड़े और 12 की 12 जीत गए गुजरात में। तो हम तो ऐसे ही चलो जीत गए थे, हम दिल्ली आए। मेरे लिए आश्चर्य था, उस समय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा, बोले थे जी पता है 12 क्या होता है,
बारह की बारह जीतने का मतलब क्या होता है तुझे पता है? बोले कभी पूरे देश से हम बारह नहीं होते थे, तुम एक राज्य से बारह लेकर के आए हो। और बारह जीतने के बाद भी जब तक अटल जी ने मुझे कहा नहीं, मेरा उस दिशा में ध्यान नहीं गया था। आपके लिए भी मैं कहता हूं, ये 111 सिर्फ 111 नहीं है, 140 करोड़ सपने हैं ये। में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे, ये उससे भी तीन गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा हमें इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 10 टाइम मोर। 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में ला करके रख दिया है।